हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल एमी स्वाद में। आज हम बनाएंगे गुजराती मेथी ढेबरा। ये मेथी ढेबरा बनाना बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे नाश्ते के वक्त भी बना सकते हैं और इसे अचार के साथ या कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए तो इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गुजराती मेथी का ढेबरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बंच मेथी ली, उसे मैंने इस तरह से बारीक काट लिया और उसे धो के छन्नी में रख दिया। तो मैं इसका पूरा पानी निकाल लूँगी क्या, ताकि हमें इसे दही में इसे आटा गूंदना है, तो इसलिए मैं इसका पूरा पानी निकाल लूँगी। मैंने इसका पूरा पानी निकाल लिया है। अब मैं इसमें 1 कप बाजरे का आटा डालूँगी, क्योंकि मेथी का ढेबरा बाजरे के आटे से ही बनता है। तो मैं इसे पूरा छान के लूँगी और इसमें बाइंडिंग के लिए मैं 1/2 कप गेहूँ का आटा डालूँगी। तो गेहूँ के आटे से बाइंडिंग अच्छी से आती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट डालूंगी, इसमें 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 1/2 चम्मच अजवाइन इसे क्रश करके डालूंगी, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी हींग, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इसमें मैं दही डालूंगी। दही से हम आटा गूंदेंगे, जितना ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम दही डालेंगे इसमें। आप चाहे तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मीठा और खट्टा ये मेथी का ढेबरा रहता है, लेकिन मुझे थोड़ा मीठा पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसमें गुड़ नहीं डालूंगी। तो मैं दही से आटा इसे अच्छा आटा गूंद लूंगी, ज़्यादा हमें सख्त भी नहीं और ज़्यादा ढीला भी हमें गूंदना नहीं है। तो दही फ्रेश होना चाहिए, खट्टा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें और दही ऐड करेंगे। इसे थोड़ा घी लगाएंगे, तो मैं 1 चम्मच घी डालूंगी इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो इसमें मैंने घी डाल के अच्छे से इसे इस तरह से अच्छे से मिला लिए। तो देखिए, आटा ज़्यादा सख्त नहीं, ज़्यादा ढीला भी नहीं, इस तरह से हमें आटा गूंदना है। अब इसका हम मेथी का ढेबरा बनाएंगे। तो देखिए, मैं अभी आटे की लोइयां बनाऊंगी। आपको जितना छोटा बड़ा बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लोइयां ले सकते हैं। इस तरह से, और इसे आटा डस्ट करेंगे इसका और इसे बेल लेंगे। आप चाहे तो कोई एक बर्तन से इसकी प्रॉपर शेप दे सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम बना लेंगे। हमारा तवा गर्म हो गया, मैं इसमें घी थोड़ा स्प्रे करूंगी और इसमें इसको डाल दूंगी। तब तक हम दूसरा बनाएंगे। इसके ऊपर से और थोड़ा घी लगा देंगे। घी में ही बहुत बढ़िया बनता है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे, हाई पे नहीं रखेंगे। हाई पे रखेंगे तो ऊपर ऊपर सीक जाएगा, अंदर कच्चा रह जाएगा, इसलिए हम लो टू मीडियम पर रखेंगे इसे और इसे अच्छे से डार्क ब्राउन होने तक सीक लेंगे और इसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक सेक लेंगे।
देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। थोड़ा घी लगाएंगे, आप चाहे तो इसमें तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। थोड़ा प्रेस करके इसके सेक लेंगे। तो देखिए बहुत बढ़िया बन गया है। दूसरा वाला भी डाल देंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी गुजराती मेथी ढेबरा बनके तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी, आप इसे शाम के वक्त सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं। ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।